हे द गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरर्स के बारे में। इस वीडियो में भी हम दो एपिसोड्स के एरर को जानेंगे और उन एपिसोड के नेम हैं इट्स अ मैड 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 बैन वर्ल्ड पार्ट वन एंड इट्स अ मैड 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 बैन वर्ल्ड पार्ट टू। और अगर आपको भी इन दोनों एपिसोड्स के एरर के बारे में जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना और वीडियो के अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। तो चलो यार, इट्स अ मैड 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 बैन वर्ल्ड पार्ट वन वाले एपिसोड के एरर के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें सिर्फ एक ही टाइम की परवाह है, हीरो टाइम की। क्या? एरर नंबर वन, इस सीन में जब बेन टेनिसन एंड बेन 23 दी वर्स्ट एंड टूल बॉक्स में ट्रांसफॉर्म होने जा रहे होते हैं तो बेन 23 के ओमटेक्स से एलियंस का इंटरफेस कमिंग आउट होता है, जबकि उसका ओमटेक्स ओरिजिनल ओमटेक्स के वर्जन का है या थिम का है सब बोल सकते हैं। बट इसके बावजूद भी ओमनियोस वाले ओमटेक्स की तरह ये एलियंस का इंटरफेस बाहर की तरफ शो कर रहा है और ये एक टाइप का एनिमेशन एरर है। एरर नंबर टू, अगर आपने गौर करके दी वर्स्ट को कभी देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि दी वर्स्ट के क्लॉज ब्लैक कलर के हैं, बट इस सीन में जब दी वर्स्ट भाग रहा होता है तो उसके क्लॉज का कलर येलो हो जाता है। एरर नंबर थ्री, इस सीन में जब मेल्ट्वेंट मैड रुक पर चिल्ला रहा होता है तो एक्सोस्कल के एक बॉडी के बोल्ट के कलर का हाईलाइट येल्लो होता है, बट नॉर्मली इसके बोल्ट्स के कलर का हाईलाइट सिल्वर होता है, जैसा आप और बोल्ट्स को भी देख सकते हैं। एरर नंबर फोर, अगर तुमने रुक के बॉडी पार्ट्स पर कभी ध्यान दिया हो, स्पेशली उसकी आइज पर, तो तुमने देखा होगा कि उसकी आइज के प्यूपिल्स थोड़े थोड़े रेड से कलर के होते हैं, पर इस सीन में मैड रुक के प्यूपिल्स का कलर ब्लैक हो गया है एनिमेशन एरर की वजह से। एरर नंबर फाइव, इस सीन में जब बेन 23 मिस्टर मंकी यानी कि स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होने जा रहा होता है तो फिर से उसके ओमटेक्स पर एलियन का इंटरफेस थोड़ी सी देर के लिए क्रॉप अप होता है। एरर नंबर सिक्स, इस सीन में जब बेन 23 का रोल अवे यानी कि कैन बोल्ट स्फीयर फॉर्म में होता है तो जो कलर उसकी साइड्स में शो होता है वो बिल्कुल उसके स्किन कलर के जैसा होता है, जबकि नॉर्मली उसकी साइड्स का कलर उसकी बैक के कलर के जैसा डार्क ब्लू ही होता है। एयर नंबर सेवन, जब मैडबैन अपने पावर वॉच से डायमंड में ट्रांसफॉर्म होता है और बेंटन और बेन 23 पर अटैक करता है तो उस टाइम के कुछ सीन्स में डायमंड के पावर वॉच का सिंबल उसकी बैक पर होता है, बट नॉर्मली पावर वॉच का सिंबल मैडबैन के डायमंड की चेस्ट पर होता है यानी कि मैड डायमंड की चेस्ट पर होता है। एयर नंबर एट, इस सीन में जब डायमंड रोल अवे को नॉकडाउन कर देता है और उस पर अटैक करने जा रहा होता है तो उस टाइम रोल अवे की पूरी बॉडी विद फेस का कलर डार्क ब्लू हो जाता है, जबकि उसकी स्किन का कलर नॉर्मली लाइट ब्लू मतलब कि स्काई ब्लू कलर का होता है। एयर नंबर नाइन, इस सीन में जब मैट डायमंड रोल अवे को पंच मारने जा रहा होता है तो मैट डायमंड के आर्मर का मेटेलिक पार्ट ब्लूइश यानी कि नीले से कलर का होता है एनिमेशन एरर की वजह से। एरर नंबर टेन, इस सीन में जब टेक्नो बबल एंड क्लॉकवर्क का फ्यूजन एक्सो स्कल से फाइट कर रहा होता है तो उस टाइम उसकी बॉडी की डार्क ब्लू आउटलाइंस ब्लैक कलर की हो जाती हैं। तो ये तो थे इट्स अ मैड 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 बैन वर्ल्ड पार्ट वन वाले एपिसोड के एरर्स। अब बात करते हैं इट्स अ मैड 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 बैन वर्ल्ड पार्ट टू के एरर्स के बारे में। एयर नंबर वन, इस सीन में जब मैड बैन एंड मैड रुक की थोड़ी बहुत बहस हो रही होती है और मैड रुक वहां से जा रहा होता है तो उसके आइज के प्यूपिल्स का कलर फिर से ब्लैक कलर का हो जाता है। एयर नंबर टू, वैसे तो ग्रेविटेक एक जायंट एलियन है पर इस सीन में ग्रेविटेक डायनोमाइटी यानी कि हुमंगसोर के आगे अपने नॉर्मल साइज से कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा होता है। एयर नंबर थ्री, इस सीन में जब बेन एज अ ब्लॉक्स हैंडीमैन से बात कर रहा होता है तो उसके नेक का कलर पूरा ब्लू होता है, बट एक्चुअल में ब्लॉक्स की नेक का कलर ब्लू एंड येलो दोनों कलर का होता है।
एरर नंबर 4, इस सीन में जब बेन 23 अपने हीरो वॉच से बेन को ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है तो उसके ओमटेक्स मतलब कि हीरो वॉच का इंटरफेस पॉप अप नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर मैं एलियन का इंटरफेस की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं ओमटेक्स के पॉप अप होने की बात कर रहा हूँ, जो कि एक ओरिजिनल ओमटेक्स का वर्जन या फिर खुद ओरिजिनल ओमटेक्स एलियन ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त पॉप अप होता है, तुमने देखा तो होगा ही। तो बस उसी तरीके से यहाँ पर इसने डायरेक्ट ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया बेन को बिना ओमटेक्स के पॉप अप के। तो यार ये तो थे बेन 10 ओमनिवर्स के इट्स अ मैड 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 बेन वर्ल्ड पार्ट 1 और 2 के कुछ एरर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना, क्योंकि बेन 10 से रिलेटेड ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। कमेंट में अपना फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।